The last concept that we have to cover, that is called as the for update statement. So for update clause, what is the work of for update clause? For update clause in select statement, it locks the row of the employee table where job ID is equals to SAREP. The select employee ID, salary, commission percentage, job ID from employee, where job ID is equals to SAREP. For update, order by employee ID. Okay. So when you use the for update, then it is updating the record. Sorry, it is log the record. Matlab, jo SAREP, jo job ID hai, wo job ID mein hum kuch aisa transaction karenge, agar kuch error aata hai. So agar hum remove karte hain, for update karte hain, to ye aapko log kar dega. To log के टाइम पर ये आपको क्या करेगा ना, अलाउ नहीं करेगा आपको कोई अपडेट अगर करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, ये आपको अलाउ नहीं करेगा ये सारी चीज। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट में चलेंगे, तो फॉर अपडेट का आगे का क्यूरी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो 10 चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ेंगे यूजिंग डीडीएल स्टेटमेंट टू क्रिएट एंड मैनेज द टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द डेटाबेस ऑब्जेक्ट, व्हाट आर द टाइप ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। वन इज टेबल, इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज कंपोज ऑफ रो view logical represent the subset of data from one or more table. View sequences generate the numeric value. Index improve the performance of some query. Synonym give the alternative name to the object. So these are the database object we have. First of all, basic unit of storage composed of row. View logical represent subset of data from one or more table. Sequences generate the numeric value. Index improve the performance of the sum queries. Synonym give the alternative name to the object. Synonym is giving you alternative name to the object. Table, it is a basic unit of storage composed of row. View logical represent of subset of data one from more table. Sequences generate the numeric value. Index improve the performance of the query. Synonym is giving you alternate name to a table. ये सारा चीज क्या है, ये सब डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। तो उसमें क्या है ना, टेबल जो है वो डाटा को स्टोर करेगा। जब हम टेबल का नाम देंगे तो टेबल का कुछ नेमिंग कन्वेंशन आपको याद रखना पड़ेगा। टेबल का नाम हम कैसे देंगे, टेबल नेम एंड कॉलम नेम मस्ट बिगिन विथ ए लेटर। टेबल और कॉलम जो नेम है वो लेटर में शुरू होना चाहिए, बी 1 to 30 कैरेक्टर लॉन्ग, 1 से लेकर 30 कैरेक्टर लॉन्ग रहेगा। कॉन्टेन ओनली ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9, अंडरस्कोर, डॉलर एंड हाफ सिंबल। ओके, तो ये यूज कर सकते हैं। नॉट डुप्लीकेट नेम ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ओन बाय द सेम यूजर। हम ये जो डेटाबेस टेबल हम बनाए हैं उसमें से जो नेम है वो डुप्लीकेट नेम नहीं होगा। तो जो डेटाबेस का टेबल है वहां पर डुप्लीकेट नेम नहीं होगा। नॉट बी एन ओरेकल सर्वर रिजर्वर्ड। नेमिंग रूल, यू नेम द डेटाबेस टेबल कॉलम अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रूल फॉर नेमिंग एनी ओरेकल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो नेमिंग रूल है हमें पढ़ेंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम यूज करेंगे क्रिएट टेबल। मतलब ये जो इसका प्रिविलेज रहना चाहिए, जो यूजर है आप, जो हम सिस्टम यूजर बनाए हैं उसका प्रिविलेजेस है क्या ना, वो क्रिएट टेबल कर सकता है। तो आपका क्रिएट टेबल प्रिविलेजेस यहाँ पर रहेगा। ए स्टोरेज एरिया, यू स्पेसिफाई द टेबल नेम, कॉलम नेम, कॉलम डाटा टाइप एंड कॉलम साइज। टेबल नेम रहेगा, कॉलम नेम रहेगा, कॉलम डाटा टाइप एंड कॉलम साइज रहेगा। ओके, तो ये पहले आपका क्रिएट टेबल टेबल नेम
उसके बाद कॉलम का नेम, उसके बाद डेटा टाइप। रेफरेंसिंग है अनदर टेबल, अनदर यूजर्स टेबल। अगर आप पेरेंट फॉरेन की प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप रेफरेंसिंग दे सकते हो, रेफरेंसिंग अनदर यूजर फॉर ए टेबल, टेबल बिलोंगिंग टू द यूजर नॉट इन द यूजर स्कीमा, यू शुड यूज द ओनर नेम एज प्रीफिक्स ऑफ दोस टेबल, ओनर नेम एज प्रीफिक्स यहाँ पर डाल सकते हैं। डिफॉल्ट ऑप्शन, मतलब डिफॉल्ट ऑप्शन डालने से क्या होगा, अगर किसी भी कॉलम पर आप डाटा नहीं देते हो तो आपका डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं टेबल का। कि जो डिफॉल्ट टेबल का जो एग्जांपल है, तो यहां पर हमने बनाया क्रिएट टेबल हायर डेट्स। मैं एक छोटा सा टेबल यहां पर बना रहा हूं, क्रिएट टेबल हायर डेट्स। इसके अंदर आईडी है, पहले कॉलम का नेम, देन डेटा टाइप हायर डेट, देन डिफॉल्ट वैल्यू इज सिस्टम डेट। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, फिर यहां पर एग्जीक्यूट किया। तो यहां पर मेरा टेबल बन गया। यहां पर देखिए डिफॉल्टेड सिस्टम डेट है, मतलब मैं यहां पर देखिए इंसर्ट इनटू हायर डेट वैल्यूज 45 नॉल, ये अगर हम पास करते हैं, देखो डेटा इंसर्ट हो गया। अभी हम चेक करते हैं, यहां पर 45 और नॉल है, 45 एंड नॉल। ओके, मतलब यहां पर नॉल इंसर्ट हो गया, लेकिन यहां पर देखिए मैं सिर्फ आईडी कॉलम में डाटा इंसर्ट करता हूं तो क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट में हायर रेट में कुछ नहीं दिया, तो यहां पर डिफॉल्ट कॉलम लिखने से क्या होगा आपका, देखिए आज का डेट यहां पर इंसर्ट हो गया, हायर डेट दैट वेर इंसर्टेड। ओके, समझ में आया? दीपेश, अमित, सुमी, मधु, एक बार और बताइएगा, वो हायर डेट वैल्यूज वाला तो समझ में आया, 45 नल वाला, सेकंड वाले में हम सिर्फ आईडी में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 35, तो यहाँ पर हम डिफॉल्ट दिए, मतलब अगर हम एक कॉलम में डेटा दे रहे हैं, अगर दूसरा कॉलम में हम डेटा नहीं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो डिफॉल्ट वैल्यू ले जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, सिस्टम डेट है, जो आज का डेट है वो लेगा, आज का जो डेट है वो। लेकिन यहाँ पर अगर पहले में क्यों नहीं लिया, पहले में हम नॉल मेंशन कर दिए है कि हम जो सेकंड जो कॉलम है वहां पर नॉल ही लेना है, तो इसलिए वहां पर नॉल ही लिया गया था। ओके, यानी कि जो अगर सेकंड वाले में 35 वैल्यू लिया, अगर इसमें हायर डेट ऑलरेडी गिवन होता तो वही हायर डेट आता, लेकिन इसमें हायर डेट है नहीं इसलिए वो आज का डेट ले लिया वो। हाँ ठीक है सर, गॉट इट।
उसके बाद क्रिएटिंग ए टेबल, और एक हम एग्जांपल लेते हैं, क्रिएट टेबल, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, और एक कॉलम है क्रिएट डेट, डिफॉल्ट डेट इज सिस्टम डेट, तो अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, टेबल क्रिएट करने के बाद अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ पर हम डिस्क्राइब कमांड यूज करेंगे, सॉरी Describe department. तो यहां पर देखिए जो डिस्क्रिप्शन है, पहले हो गया डिपार्टमेंट नंबर, कॉलम का नेम हो गया, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन हो गया, देन क्रिएट डेट। ओके, ये आपका हो गया क्या जो टेबल, टेबल का कॉलम लिस्ट, टेबल कॉलम लिस्ट। ओके, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिखाया, कौन सा टेबल, क्या डेटा टाइप है, क्या है, ये आपको दिखाया। तो यहां पर हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं, यहां पर तीन कॉलम का डेटा हम पास किए हैं, तो दूसरे में देखिए तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जस्ट ए मिनट, डिफॉल्टेड यहां पर इंसर्टेशन हो गया। ओके, क्रिएट टेबल, और एक टेबल हम बना रहे हैं, देखिए डाटा टाइप क्या क्या यूज होगा। तो पहले तो हम इतना दूर आ गए, तो पहले हमको यहां पर देखना पड़ेगा जो प्रोग्राम में डाटा टाइप क्या यूज होगा। तो डेटा टाइप में पहले जो डेटा टाइप है, भार क्यार, वेरिएबल लेंथ क्यार होगा, नंबर होगा, डेट होगा, लॉन्ग, सी एल ओ बी, बी एल ओ बी,
बी फाइल, ये जो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब अप टू 4 GB का डाटा, इमेज फाइल, कोई भी वार्ड फाइल, ये सब अगर स्टोर करना है, BLOB में स्टोर होता है, बी फाइल में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, और OID उसमें भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो ये सब हो गया आपका डेटा टाइप जो है यहाँ पर स्टोर होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो ये लॉन्ग गाइडलाइन क्या है, देखिए ये शायद आपका जो बुक दिया है यहाँ पर नहीं होगा। ए लॉन्ग कॉलम इज नॉट कॉपी व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड यूजिंग ए सब क्वेरी। मतलब क्या है, अगर आप दूसरा कोई टेबल बना रहे हो, एक टेबल का डाटा को लेकर और एक टेबल में हम जो डाटा बना रहे थे, हम सब क्वेरी यूज करके अगर एक टेबल बनाएंगे, तो लॉन्ग जो कॉलम है वो कॉपी नहीं होगा। लॉन्ग कॉलम कैन नॉट बी इंक्लूड ग्रुप बाय ऑर्डर बाय। अगर किसी भी कॉलम को आप लॉन्ग डिफाइन करते हो, उसमें ग्रुप बाय ऑर्डर बाय नहीं होगा। ओनली वन लॉन्ग कॉलम कैन बी यूज पर टेबल, एक टेबल में एक लॉन्ग यूज हो सकता है। नो कॉन्स्टेंट कैन बी डिफाइंड, कोई भी चेक कॉन्स्टेंट, मतलब कॉलम में कुछ अगर आप कंडीशन देना चाहते हो, कुछ फंक्शनलिटी देना चाहते हो, यहाँ पर नहीं दे सकते हो। यू माइट वॉन्ट टू यूज ए CLOB कॉलम रादर देन ए लॉन्ग कॉलम। ओके, तो राइट गाइडलाइन ये वाला लिख लिख लीजिए थोड़ा, और पेन एंड पेपर में थोड़ा लिख लीजिए। लिख लिए, तो 1 मिनट ये बोतल टाइट रखी हो गई, ढीला से ना मोबाइल लैपटॉप वैपटॉप पड़ी जी। डन सर। यू कैन यूज द सेवरल डेट टाइम डाटा टाइप,
डेट और टाइम डाटा टाइप स्टोर करने के लिए डिफरेंट डाटा टाइप हम यूज करते हैं, जिसमें एक होता है टाइम स्टैम्प, डेट विथ फ्रैक्शनल सेकेंड, इंटरवल ईयर टू मंथ, स्टोर एज ए इंटरवल ईयर एंड मंथ, इंटरवल डे टू सेकेंड, स्टोर एज ए इंटरवल डेज आवर मिनिट एंड सेकेंड, ये स्टोर हो सकता है। ओके, तो आई थिंक ये वाला भी नहीं होगा। टाइम स्टैम्प क्या है, देखो ये इट एनेबल द स्टोर ऑफ टाइम एज अ डेट विथ ए फ्रैक्शनल सेकेंड, सेकेंड टाइम ये सब रहेगा, इट स्टोर द ईयर मंथ डे आवर मिनिट सेकेंड वैल्यू ऑफ द डेट डेटा टाइप एज वेल एज अ फ्रैक्शनल सेकेंड, इंटरवल ईयर टू मंथ इट एनेबल स्टोर ऑफ टाइम एंड इंटरवल ऑफ ईयर एंड मंथ is used to represent difference between two date time value in which only significant portion are the year and month, interval day to second it enable the store of time interval day hour minute and second, it is used to represent the precise difference between the two date and time value, ye sab aapka date and time ka description yahan par hai, ye thoda screenshot le lijiye aur likh dijiye isko, बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्स्ट्रेंट, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट इज यूज्ड टू चेकिंग द कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा, कॉन्स्ट्रेंट एनफोर्सेस द रूल एट द टेबल लेवल, कॉन्स्ट्रेंट प्रिवेंट द डिलीशन ऑफ डेटा इफ देर आर एनी डिपेंडेंट रो, देर आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट वी आर यूजिंग, नॉट नॉल कॉन्स्ट्रेंट, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, primary key, foreign key, check constraint. So these are type of constraint is used. So before that, first you know that what is constraint. Constraint is a rule which is used to check the consistency and correctness of your data. To check the consistency and correctness of your data, we are using this constraint. It is a not null, unique, primary key, foreign key, check constraint that we are using. The Oracle server uses the constraint to prevent the invalid data entry to a table.
not null specify the column cannot contain a null value. Unique specify the column or combination of column whose value must be unique for all the row in a table. Primary key uniquely identify each row of the table. Foreign key establishes the enforces referential integrity between the column and a column of reference table, such that the value in one table matches the value of another table. Check constant specify the condition that must be true. Okay. The constant guideline. You can. ये समझ में आया? Constant क्या है? देखो ये. यहाँ पर और एक चीज़ है. तो आप एक क्वेश्चन नहीं पूछा. What is the difference between unique key and primary key? तो प्राइमरी की फॉरेन की तो आप जानते हैं, मतलब एक टेबल में एक कॉलम को अगर हम प्राइमरी की डालते हैं तो दूसरा टेबल में अगर वही डेटा और सबसेट ऑफ वैल्यू प्रेजेंट है तो हम इसको फॉरेन की बोलेंगे. लेकिन यहाँ पर यूनिक की का काम क्या है? याद है दीपेश, समित, सुमी, मधु? यस सर. तो जो यूनिक वैल्यू दोनों, जो फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों में ना हो वो यूनिक वैल्यू होगा. नो, वो यूनिक कांस्टेंट में है. प्राइमरी की जब आप डिफाइन करते हो इट इज आल्सो टेक द यूनिक वैल्यू. यूनिक भी आपका यूनिक वैल्यू लेता है. डिफरेंस इज व्हाट, प्राइमरी की डजंट सपोर्ट द नॉल वैल्यू बट यूनिक की सपोर्ट द नॉल वैल्यू. किसी भी कलम को अगर आप यूनिक डिफाइन करते हो तो वहां पर आप नॉल एंट्री भी कर सकते हो. लेकिन जहां पर आप प्राइमरी की डिफाइन करते हो, प्राइमरी की डजंट सपोर्ट योर नॉल वैल्यू. तो नॉल इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ प्राइमरी की. ओके ओके सर. तो कॉन्स्टेंट गाइडलाइन, यू कैन नेम ए कॉन्स्टेंट फॉर द ओरेकल सर्वर, जनरेट ए नेम बाय यूजिंग system.cn format. It create a constant at either the following time, at the same time as creation of the table, after the creation of the table, define a constant at the column or table level, view a constant in the data dictionary. Okay, constraint guideline. You can name a constraint on the Oracle server. जो भी constraint हम define करते हैं वो आ जाता है किसके अंदर में, आपका system_cn constant format में आ जाता है. So at the same time as we are creation of table, after the creation of table, define a constraint at the column level or table level, view the constraint in the data dictionary. आप data dictionary में इसको view भी कर सकते हो, मतलब आप देख सकते हो कौन सा table में क्या constraint define किया गया है. तो जो भी constraint हम define कर रहे हैं तो ये सब आपका रहेगा system_cn format में आपका store होगा. system_cn format में आपका constraint store होकर आपको दिखाएगा. तो हम अभी देखेंगे प्राइमरी की फॉरेन की कैसे डिफाइन होगा. यहां पर एक टेबल बनाते हैं. क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आई डी कॉन्स्टेंट सी ओ एन, प्राइमरी की, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज एंड स्टूडेंट फोन नंबर. क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आई डी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज एंड स्टूडेंट फोन नंबर. सो दीज आर द टेबल नाउ वी आर क्रिएटेड.
Now select star from student. Now I insert a record A001. Data is now inserted. Now record is present. Now if I use another record, it shows an error because you cannot insert a duplicate value. If I want to store a null value cannot be inserted. See that? As because we are defining a primary key constraint. Then yahan par last mein aap null value use kar sakte ho. So it is inserted. Okay. But jahan par aapka primary key ka sawal hai, to primary key mein hum null value insert nahi kar sakte. So next जो है मंडे में हम देखेंगे. चलो थैंक यू सर.